हम कब तक भूखे रहेंगे, कब तक परेशान रहेंगे। अगर हमें मानदेय मिलेगा तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। 38 महीने का बकाया था, अब 57 महीने का बकाया हो गया। हाँ, तो दिमाग में जब आतंकवादी आपने घुस लिया तो फिर आप कहाँ से बचेगा? हैं, दो कैटेगरी है मीडिया की। वो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि लो जी ये आ गए मदरसे के टीचर जिन्हें 5-5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। अगर कोई मदरसा ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम अपने परिवार को लाकर डीएम कार्यालय के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर देंगे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो इतना लोग आप देख रहे हैं, ये विशाल धरना जो हो रहा है वो मदरसों को लेकर हो रहा है। और मदरसों के जो शिक्षक हैं वो लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ पुरुष लोग भी आज काफ़ी पुरुष जो है संख्या में आए हुए हैं। मगर इनसे ये जानते हैं, सर क्या मसला हो गया कि आप लोगों को जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन फिर से करना पड़ा? एक बार आपने और किया था, आप आए थे बीच में, तब भी आपका अक्टूबर में हमने 2021 को अक्टूबर में करा था हमने धरना यहाँ पर। मसला ये हो गया मैडम, उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसा शिक्षक हैं जो जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी मुफलिसी में कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो बकाया मानदेय है वो भारत सरकार, मतलब जो दिल्ली सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट 57 महीनों का मानदेय नहीं दे रही है। तो इस वजह से यहाँ पर धरना करा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय हमें मिले। हम कब तक भूखे रहेंगे, कब तक परेशान रहेंगे? अगर हमें मानदेय मिलेगा तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। सरकार से हमारी ये विनती है कि हमारा मानदेय जारी करें, और इसी वजह से हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये विनती तो आप पिछले साल भी लेकर के आए थे, लेकिन अभी तक कोई सरकार सुन नहीं रही। पिछले साल लेकर आए थे तो 37 महीने का या 38 महीने का बकाया था, अब 57 महीने का बकाया हो गया। हम रोज पे रोज विभाग जाते हैं, वहाँ से आश्वासन मिल जाता कि आपका हो जाएगा मैम, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। और इस मुफलिसी में आके हमने धरना प्रदर्शन करा ताकि हम सरकार को दिखा सकें कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, मैं संभल जिले से हूँ। कोई प्रतापगढ़ से आया, कोई सिद्धार्थ नगर से आया, तो कोई बिजनौर से आया, मतलब अलग अलग राज्य से अलग अलग जिले से आए हुए लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफान है, अफान गोर है, मैं सहारनपुर जिले से हूँ। आप भी शिक्षक हैं? जी शिक्षक हैं जी। तो कितना महीना अब ये बता रहे हैं, जिस तरीके से पांच पहले तो इतना टाइम से आपको नहीं मिल रहा था, अब इतना टाइम हो गया, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन वहाँ के जो प्रधान, जो वहाँ के मंत्री जी हैं, वो तो लगातार बोलते हैं यहाँ पर सब सुखी है, सब विकास हो रहा है, खुशहाल है। ये सिर्फ एक आश्वासन है मैडम जी, जो आश्वासन दिया जाता है कि सब सुखी हैं सब। ये देखिए आप बताइए, इनमें कितने जो हमारे शिक्षक छात्र कितने सुखी हैं, कितने के चेहरे पे देखिए तो उदासी दिख रही है आपको। क्या ये उदासी खुशी होने की वजह से आ रही है? इनका चेहरा देखिए आप, सब शिक्षकों का, मेरा भी खुद देख सब, आपको पता चल जाए हम कितने परेशान हैं। 57 महीने से हमारा वेतन हमें नहीं मिला है। जिस इंसान को 57 महीने से उसका वेतन नहीं मिलेगा, आप बता दियो कहाँ से खुश हो जाएगा, कहाँ से। सर कैसे चल रहा है आप लोगों का गुजर बसर? तो ये चलता है, कोई ट्यूशन पढ़ा करता है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उनके दिलों से पूछे क्या क्या कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, लेकिन सरकार तो कोई ध्यान नहीं दे रही। रिक्शा चलाना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है मैडम जी, मजबूरी है, क्या करें, कैसे लालन पालन कैसे करें, बच्चों गुजारा कैसे करें, क्या करें हम बताइए। तो मदरसों में जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से बेल्ट पूरी चलती है, जिस तरीके से मदरसे चलते हैं, बताते कि शिक्षक वहाँ पर कुछ शिक्षाएं जो है नहीं दी जाती, बच्चे नहीं आते वहाँ पर प्रॉपर, इस तरीके के भी आप पे आरोप लगे हैं मैडम। इसलिए प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा ध्यान भटकाने के लिए, जो कुछ भी सरकार में हो रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये बताते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक मदरसे कई कई बार चेकिंग हो चुकी है, 20-20, 30-50 बार चेकिंग हो जाती है, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, सबको बिल्कुल क्लियर मिलती है चिट, लेकिन बाद में कहा था कि ये हो गया। ये सिर्फ ध्यान भटकाना ताकि अपने वेतन ना मांग सकें, जो कुछ ना मांग, ये कहीं पे भी ध्यान ना दे सकें। अब आप एक बात बताइए, जो शिक्षक 57 महीने से जिन्हें पैसे नहीं मिल रहे उसके बावजूद हम पूरी ड्यूटी पर रेगुलर आ रहे हैं, आप बताइए उनके दिल से उनका क्या हाल होगा। ये एक बार नहीं मिल रहे फिर भी आप लोग रेगुलर आ रहे हैं जी मैडम जी, क्या करें, आ रहे हैं, बच्चों पढ़ा रहे हैं, बच्चों का शिक्षा भी खराब करना चाहते हम। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी इंग्लिश गणित सब विषय पढ़ाते हैं, आधुनिक विषय पढ़ाते हैं, सब विषय सारे पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? अनवार अहमद। कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। आप भी शिक्षक हैं जी? तो क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं आप लोगों? मुश्किलें हैं मैडम, जिस दिन से ये योजना शुरू हुई है सबसे बड़ी मुश्किल है कि इसके आगे मदरसा जुड़ा हुआ है। मदरसे के नाम से ही एक अजीब किस्म की कैफियत इन लोगों के दिमाग में है, और आधुनिक टीचर गवर्नमेंट के थ्रू रखे हुए, स्कीम के तहत रखे हुए, उनको उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा, और
जी आरोप भी लग रहे हैं कि मदरसों में जो है आप ना कुछ और ही शिक्षा दे रहे हैं। हाँ वो मदरसा वो कुछ शिक्षा हमें बताइए तो ये सब क्या आतंकवादी हैं? यही बोला जा रहा है। हाँ तो दिमाग में जब आतंकवादी आपने घुस लिया तो फिर आप कहाँ से बचेगा? शिक्षक भी आपको आतंकवादी से IAS की जो है ट्रेनिंग ले लेके निकल रहे हैं। कौन सा कोई बताए ना आप, सवाल तो आपने कर दिया कि IAS कहाँ है, कोई है? एक एक मदरसे की शिक्षक 40% हिंदू भाई पढ़ाते हैं, हमारे हिंदू पढ़ाते हैं, हिंदू भाई 40% पढ़ाते हैं और 60% मुस्लिम भाई पढ़ाते हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और मदरसे का नाम सिर्फ उर्दू का वर्ड जो है वो मदरसा है और हिंदी का वर्ड वो है विद्यालय, इंग्लिश का वर्ड स्कूल है, बस इतना अंतर है। मदरसों को मुसलमानों से जोड़ दिया गया और कुछ नहीं है, वो आतंकवाद से जोड़ के उन्हें ये जितने हिंदू टीचर हैं ये भी मदरसे की वजह से प्रभावित कर दिए 40% जो है। मगर नेशनल मीडिया जब वहाँ का सर्वे करने पहुँचा तो दिखाया जा रहा है वहाँ पे तो इतनी जर मीडिया जर जर हालत। कौन सा नेशनल मीडिया और कौन से मदरसे का चेकिंग हुआ बताइए आप? जो नेशनल मीडिया से क्या देने से बात बन जाती है तो नेशनल मीडिया दलाल है क्या? किस लिए नहीं, मुझसे क्यों कहलवा रही हैं? आप मीडिया से हैं, आप मीडिया को नहीं जानती हैं? दो कैटेगरी है मीडिया की, आप खुद जानती हैं इस बात को। कैसी कैटेगरी से हैं? कैसी कैटेगरी? कैसे कैटेगरी का मतलब है जिसे डर रहे हैं आप? नहीं, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। रवीश कुमार जी ने बता दिया है साहब कि मीडिया कितने तरह का हो गया है। अच्छा। जी रवीश कुमार जी को देखते हैं? देखते हैं, दुनिया देखती है, सारा हिंदुस्तान देखता है। ओम कश्यप को नहीं देखते? अंजना ओम कश्यप जब खुद ही अपना आपको अंजना मोदी बोलती हैं तो अब उनको क्या देखें, वो तो खुद ही पक्षपात है। हो गया अगर मोदी वो तो अपने भाषण में अपना आपको अंजना मोदी बोल देती है, मोदी बोल दी तो क्या हो गया? आज क्या हो गया, क्या मतलब, इसका मतलब पक्षपात है आप, निष्पक्ष नहीं है? देखिए हमें किसी भी मीडिया का तभी उसका आकलन किया जाता है कि वो कितना पक्षपात करके समझे जी अगर बयान करता है तो वो फिर स्वतंत्र मीडिया नहीं है। और मीडिया से ये आशा की जाती है कि वो सच्ची खबरें दिखाए, अच्छी खबरें दिखाए। मदरसे में पढ़ाई हो रही है, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और रेगुलर और आप बात है उनको नहीं देने के बाद। कौन से मदरसे है जिसका सर्वे करके दिखा रहे हैं जर्जर हालत है, दो चार बच्चे बैठे प्रधानमंत्री का नाम पूछा नहीं? आप जिस पाकिस्तान का नाम लग दिया, आप पाकिस्तान जाए देखें कि वहाँ क्या ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ तो आप जा सकती हैं हिंदुस्तान के हर मदरसे में, बताइए आपको एक मदरसे का नाम बताइए। मैडम ये तो जो सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर पढ़ा रही हैं उनको पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री कौन है, जो 70-80 हज़ार रुपए सैलरी ले रही हैं उन्हीं नहीं पता हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उन्हें नौकरी से हटाइए। हम क्वालिफाइड टीचर हैं, MA BEd है, हम इंटर और BA वाले को ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं MSc हूँ, MSc BEd, और अब मजबूरी यह है कि घर घर लोगों के ट्यूशन चला के जा पढ़ा के जाने के बाद में अपने बच्चों का पालन करना पड़ रहा है। जो टीचर मतलब बच्चों की ज़िंदगी सुधारता है आज उसके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्योंकि हमारे पेट में जब भोजन नहीं होगा तो हम क्या किसी को ढंग के साथ में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों के स्कूलों से नाम काटे जा रहे हैं, मदरसे बंद करे जा रहे हैं, इतना जो है वैसे अवैध पाए गए हैं, बुलडोजर भी चल रहा है। अरे अवैध कौन से मदरसे हैं अवैध कहेंगी बताइए ना। मदरसे दो बेस से चलते थे शुरू से, एक चंदा बेस है और एक मदरसा बोर्ड के तहत है। जब सरकार ने योजना लाई थी कह दिया था कि जो मदरसा बोर्ड में आना चाहे आ जाए, जो अपना चंदा बेस से चलते हैं वो चलने दिए जाएं, तो अब उसमें आप अवैध कैसे कह देंगे उनको? हैं बोला जा रहा है नहीं, बोलने वालों पे ही तो इतराज है, क्यों बोलना है वो ऐसे? हमारे वैसे को अवैध कैसे बोल देंगे? अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं खोलने का पूर्ण अधिकार है, उसके अंदर जो मदरसे चल रहे हैं उनके अंदर दुनियावी तालीम नहीं दी जा रही, उनके अंदर सिर्फ धार्मिक तालीम दी जा रही है। हम लोगों के मदरसों के अंदर हम हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, विज्ञान, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, हम हर विषय पढ़ाते हैं। हमारा टीचरों का कंपटीशन आप सरकारी स्कूलों के टीचरों से करा लीजिए, हमारे बच्चों का कंपटीशन आप सरकारी स्कूलों के बच्चों से करा लीजिए। हम 101% ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे उनका मुकाबले बहुत अच्छे निकलेंगे। आज मदरसों से ऐसे निकले हैं स्टूडेंट जो अच्छे, अभी 1200 टीचर बच्चे जो हैं नीट की परीक्षा पास की है उन्होंने, DM मदरसों से। हमारे यहाँ जो हमारे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद वो मदरसे से पढ़े हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे से पढ़े हुए थे। मदरसे को सरकार जो एक टारगेट बनाया, परेशानी क्यों हो रही है कि मदरसे में अभी ऐसी ऐसी शिक्षाएं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, ये एक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। हाँ। भाई पहले भी किया जाता था, पहले इस नजर से नहीं देखा जाता था, अब जो है इन्हें हिंदू वोट को एकत्र करना है ताकि जितने मुसलमान को परेशान करेंगे उतना ही ज्यादा जो है हिंदू वोट उनका इकट्ठा होगा।
इनका असली मकसद ये है कि मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बैठ के बोलते हैं कि मैं मुसलमान की बहुत इज्जत करता हूँ। अजान सुनते ही शाह साहब है जो अपना भाषण रोक देते हैं। मस्जिद मतलब अजान होते ही तो मस्जिदों के पास में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ उनका कहने का है, उनकी करनी कुछ और कथनी कुछ और है। वो कहते थे 2014 में, उन्हें कहा था एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में बच्चों के कुरान होगा। अब जब उसके अंदर सबका साथ सबका विकास होगा, अब टीचर हमें 57 महीनों का पैसा चाहिए। अगर तुम पैसा नहीं, अगर तुम सरकार तुम्हारी तुम सरकार चला रहे हो, तुमसे मदरसे नहीं चल पा रहे तो इन मदरसों को सारे बंद कर दो, जो हमारा बकाया वो हमें दे दो, हमें हमारा पीछा छोड़ दो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम सरकार की योजना के तहत टीचर हैं, हमें सरकार से डिमांड है कि हमारे पढ़ाए हुए के पैसे दे। बस मदरसा वैध है अवैध है क्या है, आप जांच कराने 10-10 बार जांच कराना है, ठीक है? जांच हो रही है, तो जो अवैध है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन टीचर इन अधिकारियों की टीम बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष जो था SDM साहब थे, हर मदरसे के अंदर जाके चेकिंग की गई, हमारे फीता लेके आए, कमरों का नाप लिया, बच्चों को एक एक उठा के मालूम किया, टीचरों का पूरा सर्वे किया। अब कोई कमी होती तो सामने आती, जो खामखा एक हवा बनाया जा रहा है। अगर कोई अवैध चल रहा है जिसमें कमी आ रही है तो आप उनको बंद करें, हम आपके साथ में हैं। लेकिन 90-95% लोगों को उन 2-4% के उसमें क्यों डाला जा रहा है? आप कह रहे हैं कि ये सरकार कर रही है इस तरीके से, लेकिन मोहन भागवत है अलग अलग मस्जिदों में जाकर के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। अरे हम तो हिंदुओं के साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, इसका कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि हमारा बकाया मानदेय हमें दिया जाए। हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, मानदेय तो इसीलिए नहीं दिया जा रहा ना क्योंकि मदरसों की जाँच चल रही है। जाँच चलिए तो जाँच तो एक अधिकारी एक कर्मचारी मेरे स्कूल मेरे मदरसे में बिठा दो, रोज बिठा दो, रोज चेक करेगा क्या? पर हमारा मानदेय तो दो, हम चेकिंग से नहीं डरते जब हम फर्जी नहीं। मैं बताता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम आलम है, मैं कहाँ से आया? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। अच्छा। मैं मुद्दा ये नहीं है कि जांच चल रही है, जांच उस चीज की चल रही है जो मदरसे मॉडर्नाइजेशन के तहत कार्य नहीं कर रहे उनकी जाँच चल रही है, जो बगैर मान्यता प्राप्त है। सरकार का कहना ये है कि हम इन मदरसों की जांच करा करके इनको मॉडर्नाइजेशन में लेकर के आएंगे, और मॉडर्नाइजेशन में लेकर के आकर के वहां पर शिक्षा मॉडर्नाइजेशन की कराएंगे। ये है कार्य जो जांच करवा रही है गवर्नमेंट। लेकिन हमारा सवाल उनसे ये है कि हम ऑलरेडी जो 25,000 मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर कार्य कर रहे हैं, पिछले 57 महीनों से आपने हमें कोई तनख्वाह नहीं दी अभी तक, तो आप जो इनकी जाँच करा रहे हो फिर उनको मॉडर्नाइजेशन में किस बेस पर आप लेकर के आएंगे? हमारी जो मांग है सरकार से कि आप जिस गाइडलाइन के अनुसार जो आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। जब हम काम आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप ही की एक गाइडलाइन के अनुसार हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है, तो फिर हमें जो सैलरी है जो तनख्वाह है हमारी वो क्यों हमें नहीं रिलीज की जा रही है? प्रशासन की तरफ से आपको बोला क्या जा रहा है? प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन किस चीज़ का दिया जाता है? ये दिया जाता है कि आपके उस पर कार्य चल रहा है, कभी आपका निदेशालय में फाइल है वहाँ पहुँच गई है, उसके बाद में आपको पैसा बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में रिलीज होते होते आज वो 57 महीने पर बात आके पहुँच गई है। और 57 महीने से आप लोगों के घर कैसे चल रहे हैं? घर ऐसे, हाँ यही तो बता रहे हैं मैम कि पोजिशन इतनी खराब है टीचर्स की। अगर सही मायने में अगर आप जा कर के देखेंगे तो बच्चे तो रोते हैं पैसे मांगने के लिए, लेकिन पापा की जेब में पैसा नहीं है उन्हें देने के लिए, बच्चों को रोटी खिलाने के लिए पैसे नहीं है, ये है कंडीशन। और हम चला किस बेस पर रहे? योग्यता है हमारे अंदर, हम टीचर हैं तो इसलिए हम ट्यूशन भी देते हैं और 12th स्टैंडर्ड लेवल को हम पढ़ाते हैं। मैं साइंस और मैथ का टीचर हूँ जो मॉडर्नाइजेशन में नियुक्त हुआ हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ MSc भी हूँ, और MSc के साथ में मेरा सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम केमिस्ट्री है जिसमें मैं तैयारी करा रहा हूँ, और मैं नीट लेवल की भी प्रिपरेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। मेरा अपना भी एक चैनल है जिस पर मैं ऑनलाइन टीचिंग भी दे रहा हूँ। ये है मेरी योग्यता का लेवल, तो इस पर तो वो अब उठा ही नहीं सकते कि फिर क्या ये योग्य नहीं है। तो सरकार से हमारी मांग है सरकार हमें पैसा दे। इतने लोग आप लोग पढ़े लिखे हैं जो आरोप लग रहे हैं यानी कि वो झूठे हैं, मतलब आप मैं बिल्कुल देखिए बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं ये जो हैं, और इनका सिर्फ डाइवर्ट करना है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि देखिए मुझे भी 6-7-8 साल मुझे भी हो गए कार्य करते हुए, और आदमी को एक सुनहरा मौका दिखता है अपना कि हाँ चलो हम लगेंगे गवर्नमेंट के एक हिस्से से पार्ट से जुड़ेंगे। और आज के वक्त में गवर्नमेंट की आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हो रही है कि आदमी एक फोर्थ
लेवल की भी जॉब के लिए परेशान हो रहा है, मारा मारी हो रही है। अभी पीछे कल पैट का एग्जाम हुआ, जाके देखो यूपी के अंदर कितनी बड़ी कंडीशन डेवलप हुई है लोगों की। तो हमारा एक नज़रिया था कि हम एक गवर्नमेंट के हिस्से से जोड़ करके हम शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ न लाती ना, हम अपना अपॉइंटमेंट कराते, हम तो अपना सेक्टर अपने आप बना सकते थे। मगर योगी जी तो बोल रहे हैं, लगातार दावे वादे कर रहे हैं कि भैया सुनहरा उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है, यहाँ पर लोग खुशहाल हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये सिर्फ बात कागजों पर है और मीडिया को दिखाने के लिए है। सच्चाई ये है कि जो मीडिया है, वो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उस बात को नहीं दिखा पा रहा और ना ही वो कवरेज कर पा रहा। मेरे अभी तक लाइफ के अंदर, मैंने अभी किसी भी लोकल एरिया के अंदर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, कभी मैंने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी को नहीं देखा जिसने सर्वे किया हो। वो सिर्फ प्रवक्ताओं को लेकर बिठा लेते हैं और वहीं से अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये है हमारे देश की कंडीशन, ये है। अभी यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं शिक्षक जो मदरसों में पढ़ाती हैं। मैम क्या नाम है आपका? कायना जैदी है मैम, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आए हैं। बिजनौर से आए जी, जी। इतनी दूर से आप लोग? इतनी दूर से आए हैं, देवरिया से भी आए हैं, बरेली से भी आए हैं, काफी सहारनपुर, काफी दूर के आधुनिकरण शिक्षक जो है, जो परेशान है देखो, तो वो तो आएंगे ही अपने काम के लिए। तो हमें, हमारा कोई और झगड़ा वगड़ा नहीं है सरकार से, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत है वो हमें मेहनताना दिया जाए। कैसे आपका कैस चल रहा है, आप क्या पढ़ाती हैं? आप भी शिक्षक हैं ना? जी जी, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, एमए बीएड हूँ। एमए बीएड हैं आप? सिर्फ हमें 3,000 रुपए मिलते हैं, 12,000 जो हमें केंद्र सरकार देती है वो हमें 57 माह से मिला ही नहीं है। अब देख लीजिए कैसे चलेगा। वही है कि स्कूल जाते हैं, अपना मदरसे गए, वहाँ से आने के बाद सिलाई सिखाई बच्चों को, सिलाई सेंटर चला रहे हैं, मेहंदी सिखा रहे हैं, फ्लावर मेकिंग सिखा रहे हैं, इसी से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। अगर ये हमें 57 माह का जो रुका हुआ है ये सरकार दे तो हमें कितना आराम मिले। देखो हम जाते हैं, घर से निकलते हैं, हम सरकार से कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं, जो हमारा मेहनताना है हम वही मांग रहे हैं सरकार से। तो अभी आपने बताया 3,000 रुपए, 3,000 मात्र तो कुछ भी नहीं होता है, ये दिया जाता है आपको? राज्य सरकार दे रही है सिर्फ, हमें केंद्र सरकार तो हमें दे ही नहीं रही है, उसी लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें 15,000 रुपए मानदेय मिलता जिसमें 3,000, कहने के लिए कि हम सरकारी टीचर हैं, हम बता नहीं सकते हैं किसी को, कोई हमसे पूछे तो हम तो बस आंखों में आंसू आ जाते हैं मैडम, कि हम 15,000 कहते हैं सरकारी हो तुम तो, 3,000 रुपए के सरकारी टीचर हैं हम, ये समझ लीजिए। किसी को बताते हुए शर्म आती है कि हम टीचर हैं, कोई पूछता है तो क्या तुम्हारे तो होगी 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपए, हम कैसे बताइए, तो झूठ बोले। और कुछ लोग जिनको मालूम है वो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि लो जी ये आ गए मदरसे के टीचर जिन्हें 5-5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। हम अपने समाज से कट गए हैं, हम लोगों की शादियों में नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ देना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ता है और हमारी जेब इसको अफोर्ड नहीं करती। कहीं जाएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये ले जाने पड़ेंगे। बीच में आपकी सैलरी बढ़ाई भी गई थी 2008 में, बढ़ाई गई थी 2008 के बाद में, अभी तक कोई सैलरी नहीं बढ़ी है हमारी, सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन पढ़ाने का 1 घंटा जरूर बढ़ा दिया इन्होंने, मतलब 1 घंटा इन्होंने 6 घंटे तक कर दिया गया, 1 घंटा और बढ़ा दिया। पहले 5 घंटे पढ़ाई होती थी, अभी आदेश जारी किया गया है 3 बजे तक पढ़ाई करना है। अब 3 बजे के बाद जो 1 बजे छुट्टी होती थी, 2 बजे तो हम पार्ट टाइम काम कर ले रहे हैं कि अपने पैसों के बारे में कुछ ना कहे, उसे इतना टाइम देना नहीं चाह रही है सरकार कि वो अपने बारे में सोच सके या अपने पैसों के बारे में कुछ कह सके। अब सुबह से आए हुए हैं, बिना खाए बिना पानी पिए सब पड़े हैं, देखो सुबह से। अब तो आप लोग जो अभी घंटे बढ़ा दिए गए हैं, 6 घंटा आप लोग पढ़ाते हैं? बिल्कुल मैडम, आरोप लगता है कि आप उसमें भी जो है चेकिंग कीजिए ना, कर रहे हैं हम, अगर ना मिले तब आप शिकायत कीजिए। बिल्कुल 3 बजे तक वहीं पढ़े रहे हैं हम मदरसे में। जब से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली 57 दिनों से, तो आप लगातार महीनों 57 महीने जी 57 महीने। अब आप देख लीजिए, एक बंदा अगर मजदूरी करेगा ना सुबह को, तो शाम को अपने पैसे लिए 57 महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। मैं तो दिन बता रही थी, 57 महीने है, सोचिए किसी के गुजर बसर कैसे चलती होगी, कैसे खाना रोटी चलती होगी। बच्चे भी आपके? बच्चे भी जी, 2 बच्चे हैं मैम मेरे है। जी जी, तो कैसे? एक बच्चे का जो है मेरे 3,000 रुपए महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है बिजनौर का ही, उसके हर्पीस निकल गया था, मैं 8 साल से इलाज चल रहा है मैडम उसका। अब लगा लीजिए जो हमें राज्य सरकार देती है वो मैं वहीं दे के आ रही हूँ, बस समझ लीजिए आप। कैसे रोटी खाएंगे हम, कैसे पानी पिएंगे, अगर हम सिलाई सेंटर सिलाई ना सिखाएं या मेहंदी ना सिखाएं, फ्लावर मेकिंग ना सिखाएं, इतना भी ना कराएं, तो बस हम तो रोटी वोटी भी नहीं खाएंगे फिर, अगर ऐसे बैठ रहे हैं। अब कोशिश यही है हमारी, देखो सुबह से सब आए हुए हैं, यही कोशिश है कि सरकार हमारी मांगे सुने, जो हम कहना चाहते हैं। मैम आप भी पढ़ाती हैं?
क्या नाम है आपका? नुसरत परवीन। आप कहाँ से आई हैं? बिजनौर से। बिजनौर से ही आई हैं। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आप भी जो है यहाँ पर उसी चीज़ के लिए आई हुई हैं, लगातार मांग डिमांड है। आपकी भी शादी हो चुकी है? जी, 10 साल हो गए मेरी शादी हुई। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है मेरी। बेटी है। डेली स्कूल जाती हूँ, जहाँ तक कि अगर बीमार भी हूँ, कैनूला भी हाथ में, तब भी स्कूल जाती हूँ, पूरी ड्यूटी करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बाहर हुए में भी आप ड्यूटी दे रही हैं? देती हूँ मैं। तो फिर ये जो बोला जा रहा है, आप पे आरोप लग रहे हैं, कैसे हटेंगे जो आप पे आरोप लग रहे हैं? आप पढ़ाते नहीं है, कोई और शिक्षा दी जाती है मदरसों में? हमारी चाहिए, हमारे स्कूल में बिठा दीजिए डेली, अगर हम नहीं आए तब हमारी सैलरी नहीं दें। आप भी पढ़ाते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद मतलूब है और मैं बिजनौर से आया हूँ, नगीना पढ़ाता हूँ। कि ये मान लीजिए मैडम, मेरा एक बच्चा सेंट मैरी में पढ़ता है, पढ़ता था, वहाँ की फीस हमने सबमिट नहीं करी, फादर से रिक्वेस्ट करी, फादर ने कहा कि अगर आपके बस की नहीं फीस जमा करना तो बच्चे का नाम कटा लीजिए। मेरे बच्चे की फीस 60,000 रुपये हो गई थी, समझे। मैंने 64,500 रुपये का अपना जेवर मेरी शादी में चढ़ा था वो बेचा, उन्हें बच्चे की फीस सबमिट करी और वहाँ से बच्चे की TC लिया, दूसरे कॉलेज में दाखिल करा दिया। हम दूसरे बच्चे को तो मैडम शिक्षा दे रहे हैं, मगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, वो अंधकार में जा रहे हैं। हम दूसरों को शिक्षित कर रहे हैं, हमारे बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। बाप की जेब में 10 रुपये नहीं, बच्चा बोल रहा है पापा जी मेरे लिए पेंसिल लाना, बच्चे को संतुष्टि दिलाई बेटा कल ला दूंगा, उसे क्या पता पापा की जेब में 10 रुपये भी नहीं है। समझे, कल को बच्चा फिर मांगता है पापा जी पेंसिल तो है नहीं, मैं लिखूँ कहाँ से। तो हम 10-10 रुपये के लिए मोहताज हैं मैम, किसी से उधार नहीं मांग सकते। दूध वाले का इतना कर्ज हो जाता है, वो दूध देने से मना कर देता है, तुम तो देते नहीं। सर सैलरी कब आएगी तुम्हारी, कोई लिमिट है, कोई टाइम है तुम्हारा सैलरी आने का? मैडम इतने परेशान हैं जितने के हो सकते हैं, और ये आरोप आरोप कर रहे हैं। मैं एक शरीफ आदमी को ये बार बार कहता रहूं, तुम इतने गंदे हो, तुम इतने गंदे हो, तुम इतने, तुम्हारे अंदर कीड़े हैं, उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, वही काम सरकार का है। हमें सरकार बार बार बदनाम करके कर हमारे अंदर कीड़े पैदा कर रही है, मगर हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। जितना आरोप हम पे सरकार लगाती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसों में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, मैं मैथ का टीचर हूँ और एम इंग्लिश भी हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाते हैं जी हाँ, और मैथ पढ़ाता हूँ, बीएड हूँ। बहरहाल कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं जितने टीचर्स यहाँ हैं। क्वालिफाइड होने के बाद भी हम बेकार हैं, यूजलेस है, समझे। कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, वो माइंड काम नहीं करता, हमें कोई मजदूर रख भी नहीं सकता, दूसरा काम नहीं कर सकता, दूसरी हमें दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि ओवरएज हो गया लोग, समझे। पत्थरबाज आपको लोगों को बता दिया जा रहा है, तो हमें हमें हाँ। हम यहाँ कितना पत्थर मार रहे हैं आपके? पत्थरबाज बोला जाता है ना, बोलते नेशनल मीडिया है, वो तो आपको पत्थरबाज से ही संबोधित करती है। नहीं, हमने यहाँ हमारे हाथ में कौन से पत्थर है, किसके मार रहे पत्थर? हमारा मुद्दा सैलरी का है। मुद्दा नहीं भटका रही हूँ, जो ये कश्मीर का मामला है, ये कश्मीर में, ये दिल्ली में भी हुआ है, ये दिल्ली में भी हुआ है। अपवाद सब जगह है, अपवाद अपवाद जहाँ आपकी टोपी और पजामा उससे पहनावे से पहचान हो जाती है ना। बताइए किसी कौन सा मदरसे वाले ने पत्थर मारा? आप जहांगीरपुरी सुनिए, जहांगीरपुरी में हुआ था ना, तो पत्थरबाज ही बोले, वहाँ उन्होंने मस्जिद तोड़ दी, वहाँ उनका मुद्दा खत्म करो, हमें उससे मतलब नहीं है। अपमान हम जगह है, हमारा मुद्दा सैलरी का है, हमारा 57 महीने का मान देते। अगर सरकार के बस की बात नहीं है हम लोगों को पैसा देना, तो अब तक की हमारी सैलरी दे दे, उसके बाद हम आजाद कर दे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम कोई भी और काम कर लेंगे। इतना हमारे अंदर काबिलियत है, मैं MA BEd हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना बच्चों का गुजर बसर कर रहा हूँ, मुझसे मजदूरी नहीं होने की। मैं 40 पार हो चुका हूँ, जो हमारा गोल्डन चांस था 15-16 साल हमने इस मदरसे को दे दिए। आज हम दूसरे के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और हमारे बच्चे जाहिल हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी जेब में पैसा नहीं है। लेकिन मदरसे को टारगेट बनाया जा रहा है, अगर कोई मदरसा ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। खामखा एक हवा बनाया जा रहा है कि फलां मदरसे में ऐसा, मतलब अगर ऐसा है तो उसे ख़त्म करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हर मदरसे वाला सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन जो मदरसे सही चल रहे हैं आप उनको टाइम पर सैलरी दीजिए, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पाषण ढंग के साथ कर सके। दिल्ली में आकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपने अपनी जगह पर प्रदर्शन किया है? DM साहब को हर 4-5 महीने मेमोरेंडम देते हैं, हम धरना करते हैं अपने जिले के अंदर, तो कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ अभी जिला बिजनौर के अंदर जो अल्पसंख्यक विभाग के वो हैं मंत्री जावेद मलिक साहब, उन्हें हमने बुलाया था, उन्हें सम्मानित करने के बाद में BJP के थे और उनके सामने अपनी बात रखी। अब कल को लखनऊ में है धरना,
मतलब बीजेपी के लोगों ने मलिक साहब ने वहाँ जोड़ा है। हमारे कुछ लोग बिजनौर से लगभग 50-60 साथी आए हैं और लगभग 15-20 साथी दिल्ली कल जा लखनऊ कल जा रहा है। अच्छा, ये जो मदरसों को बंद करने की जो छिड़ रही है, तो ये राजनीति है या वाकई में ऐसे मदरसे निकल के आ रहे हैं? नहीं, मदरसे के अंदर दो तरह के मदरसे हैं। एक मदरसे वो हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और एक मदरसे वो जो बिना मान्यता के हैं। जो अभी सर्वे चल रहा है बिना मान्यता वालों का चल रहा है, उनके अंदर हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा। उनके अंदर जो हमारी अरबी फारसी दीनियात है वो पढ़ाई जाती है। हमारे मदरसों के अंदर जो मान्यता प्राप्त है उसके अंदर हिंदी इंग्लिश मैथ सारी विज्ञान सब चीज़ पढ़ाया जाता है। हमारे सब क्वालिफाइड टीचर हैं, लगभग अधिकतर टीचर लगभग 80% MA BEd हैं। कोई MSc है, कोई MCom है, कोई MA है। ऐसा नहीं है कोई टीचर के अंदर काबिलियत कम है, लेकिन अब टीचर इसलिए मजबूर होकर इसके अंदर फंसा पड़ा है कि हमारी पिछली सैलरी आ जाए, हम कोई और काम कर लीजिए छोड़ के। अब क्या कुछ करेंगे यहाँ दिल्ली में? आप आ गए हैं, आवाजें उठा ली हैं इतनी बुलंद। हमने तो अभी DM साहब को मेमोरेंडम दिया था कि हमें आप आत्महत्या करने का परमिशन दे दीजिए, हम अपने परिवार को लाकर DM कार्यालय के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर देंगे। आप जो कह रहे हैं हमने दिया है, देखिए आप क्या राय है। हाँ, पीछे हमने दिया है DM साहब को कि आप हमें आत्महत्या करने के परमिशन दीजिए, और हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से लेटर दिया है DM साहब के द्वारा। आप देखिए पीछे पूछ रहे निकाल उठा के भाई, जब हम पल पल मरने से बेहतर ये है। यह कानूनन अपराध ना होता तो मैं यही आत्महत्या कर लेता, लेकिन ये कानूनन अपराध है, हमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पल पल ना मर के हम एक बार हम अपने अपने परिवार को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमसे कहते हैं पापा आज फला के यहाँ शादी, नए कपड़े बनाइए त्योहार के ईद के ऊपर। कई सालों का हम अपने बच्चों को नए कपड़े बनाए हुए, घर के अंदर शीर बनता है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 बच्चे हैं, लगभग 42 साल मेरी उम्र आ गई है। मेरा सेंट मेरियम मेरा बच्चा पढ़ रहा था, अब फीस ना होने की वजह से लॉकडाउन के अंदर फीस हो गई, नाम कटवा के अपने मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। हम दुनिया के बच्चों को तालीम दे रहे हैं और हमारे अपने बच्चे खुद बेकार जगह जा रहे हैं। लोग आगे हमें ताना देते हैं कि आप कैसी जगह पढ़ा रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को ढंग के साथ पढ़ा नहीं सकते। हम शादी ब्याहों में जाने से हम कतरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए खर्च चाहिए जो हमारी जेब में नहीं है। लोग कहते हैं तो मदरसे में पढ़ाने के बाद हमने ऊपर घमंड कर रहा, घमंड हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी इज्जत बचा लें। हमारा मसला यही है कि 57 महीने की हमारी सैलरी हमें दे दी जाए और उसके बाद में सारा इस योजना को बंद कर दे। सोचिए 57 महीनों से इन शिक्षकों को लगातार जो है इनका मानदेय नहीं मिला है, और कैसे इनका गुजर बसर चल रहा है बच्चों को पढ़ाने। ये खुद शिक्षक हैं मगर इनके बच्चे जो हैं अंधकार में उनका भविष्य जा रहा है। सोचिए कि जो मदरसों के ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप लगते हैं कि उन मदरसों में इस तरीके की तालीम दी जाती है कि वहाँ से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि वहाँ से नीट की परीक्षा करने वाले जो छात्र थे वो वही छात्र थे जो मदरसों से निकले हैं, पढ़ाई करके निकले हैं, और ये वही मदरसों के टीचर और शिक्षक हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन आज यहाँ रोड़ों पर आकर मजबूर हैं अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए। लेकिन जो लगातार यूपी सरकार दावेवादे करती है, उन दावेवादों पर फेल होते हुए योगी जी नजर आ रहे हैं, और जो सबका साथ सबका विकास कहते हुए लगातार इस तरीके के नारे लगाते थे, वो आपको दिख रहा होगा कि सबका साथ सबका विकास किस तरीके से हो रहा है। कौन लोग हैं जो इतनी संख्या में आकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार 57 महीने से इन लोगों को मानदेय नहीं मिला है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके की एक तरफा सरकार और एक तरफा जो मीडिया है वो लगातार किस तरीके के सर्वे कर रहा है, और सर्वे करके जो मदरसों को दिखा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके की तालीम है कि प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो मदरसे, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो जिनको मान्यता प्राप्त है और वहाँ पर इतने पढ़े लिखे शिक्षक भी हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आज भी जो उनको फीस नहीं मिल पा रही, उनकी सैलरी नहीं आ पा रही है, लेकिन आज भी वो लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन जब एक बार हद हो जाती है तो इंसान आकर आखिर अपनी आवाजें ना उठाए तो क्या करे। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।